या पर इस वीडियो में मिस्टुबिशी हेवी इंडस्ट्रियल एसी के साथ मिस्टुबिशी इलेक्ट्रिक एसी के कंपैरिजन करने वाले हैं, कौन सा बेटर है, वीडियो के आखिर में आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा। तो जरूर अंत तक देखना एंड वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस वैल्यू प्रोवाइड कर दूंगा। स्टार्ट कर लेते हैं मिस्टुबिशी हेवी इंडस्ट्रियल एसी के साथ। बिल्ड क्वालिटी आपको जो है काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो ड्यूरेबिलिटी, जो बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलता है काफ़ी सही है। अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से यहाँ पर काफ़ी जो है बढ़िया लॉन्गजिविटी प्रोवाइड कर देगा। बारिश के टाइम, समर के टाइम, यहाँ पर विंटर के टाइम, सभी सीजन में आप जो है यहाँ पर मिस्टुबिशी हेवी इंडस्ट्रियल एसी को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, लॉन्गजिविटी, रिलायबिलिटी जो है काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कूलिंग की अगर बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर कूलिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है फिर भी यहाँ पर जो है काफ़ी सही तरीके से एसी रूम का जो टेम्परेचर है यहाँ पर रिड्यूस कर देगा। कूलिंग के साथ आपको कोई भी इशू वगैरह देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर एयर फ्लो कंट्रोल का जो फीचर से ऐड किया गया है, जिसके साथ जो है यहाँ पर रूम के हर एक कोने में सही तरीके से जो है बेटर एयर फ्लो देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो है काफ़ी सही तरीके से जो है कूलिंग देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एयर फ्लो कंट्रोल का जो फीचर से काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो रिमोट कंट्रोल है उसमें जो बटन्स वगैरह है काफ़ी इजी टू यूज़ है, तो बहुत ही इजीली आप जो है रिमोट कंट्रोल के साथ एसी वगैरह को जो है कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में। तो यहाँ पर एनर्जी एफिशिएंसी जो है पर मॉडल टू मॉडल डिपेंड करता है, आपको यहाँ पर जो है सही जो है एनर्जी एफिशिएंसी देखने को मिल जाएगा हेवी इंडस्ट्रियल एसी के साथ। एंड डिज़ाइन वगैरह की अगर बात करें, मेनली यहाँ पर काफ़ी हद तक जो है यहाँ पर मिनिमल डिज़ाइन देखने को मिलेगा। मेनली यहाँ पर फोकस किया गया है परफॉर्मेंस, कूलिंग परफॉर्मेंस एंड ड्यूरेबिलिटी के साथ। प्लस यहाँ पर जो मिस्टुबिशी हेवी इंडस्ट्रियल एसी है इसमें आपको जो है एडवांस फीचर्स वगैरह देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर काफ़ी इजी टू यूज फीचर्स देखने को मिल जाएगा, बढ़िया ड्यूरेबिलिटी देखने को मिल जाएगा, प्लस कूलिंग परफॉर्मेंस भी आपको एक्सलेंट देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर लार्ज रूम के हिसाब से यहाँ पर काफ़ी बढ़िया जो है कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मिस्टुबिशी हेवी इंडस्ट्रियल इसके साथ जो है हाई कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिलता है, जिसके लिए आप जो है लार्ज रूम के हिसाब से आप इस एसी को खरीद सकते हो। काफ़ी फास्ट रूम का जो टेम्परेचर है यहाँ पर रिड्यूस कर देगा हाई कूलिंग कैपेसिटी होने के साथ मिस्टुबिशी हेवी इंडस्ट्रियल एसी के साथ। बात कर लेते हैं पर नॉइस लेवल के बारे में। तो नॉर्मली यहाँ पर नॉइस लेवल जो है काफ़ी कम देखने को मिलेगा, काफ़ी कम नॉइस जो है पर प्रोड्यूस करता है स्पेशली आउटडोर यूनिट। तो डेफिनेटली आप जो है यहाँ पर जो है रूम वगैरह इवन ऑफिस वगैरह में जो है इंस्टॉल कर सकते हो। प्राइस रेंज की अगर बात करें तो डेफिनेटली मिस्टुबिशी इलेक्ट्रिक से जो है मिस्टुबिशी इलेक्ट्रिक एसी जो है उससे कम प्राइस आपको देखने को मिलेगा मिस्टुबिशी हेवी इंडस्ट्रियल एसी के साथ। तो जो प्राइस रेंज है अलग अलग मॉडल में अवेलेबल है, अलग अलग प्राइस रेंज देखने को मिलता है अलग अलग मॉडल के साथ। एंड मिस्टुबिशी इलेक्ट्रिक एसी जो है कम प्राइस में आपको मिस्टुबिशी हेवी इंडस्ट्रियल एसी देखने को मिल जाएगा, तो आपको बेटर वैल्यू ऑफ मनी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं मिस्टुबिशी इलेक्ट्रिक एसी के साथ, स्टार्ट कर लेते हैं डिज़ाइन के साथ। तो यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया मॉडर्न डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर इंडोर होम के हिसाब से काफ़ी सही रहेगा। एंड यहाँ पर डिज़ाइन वगैरह जो है डेफिनेटली पर्सनल चॉइस को भी डिपेंड करता है। प्लस यहाँ पर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, जिसमें यहाँ पर बेटर एनर्जी एफिशिएंसी प्लस प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। इन्वर्टर एसी देखने को मिल जाएगा मिस्टुबिशी इलेक्ट्रिक के साथ। तो यहाँ पर रूम टेम्परेचर के हिसाब से कंप्रेसर का जो स्पीड है एडजस्ट होता है, जिसके साथ जो है आपको कम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होगा। तो यहाँ पर एनर्जी सेविंग्स प्लस एफिशिएंट कूलिंग दोनों ही देखने को मिल जाएगा मिस्टुबिशी इलेक्ट्रिक एसी के साथ। एंड अगर बात करें एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में, तो डेफिनेटली अगर आप एक 5-स्टार रेटेड एसी को खरीदते हो तो आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म में काफ़ी कम इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करना होगा, जो कि काफ़ी सही है। तो एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में तो डेफिनेटली मिस्टुबिशी इलेक्ट्रिक एसी जो है ज़्यादा अच्छा है। बात कर लेते हैं पर एयर प्योरिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर अलग अलग मॉडल में जो है यहाँ पर काफ़ी एडवांस एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम को ऐड किया गया है, जिसके साथ जो है इंडोर का जो एयर क्वालिटी है काफ़ी सही तरीके से जो है पर इम्प्रूव हो जाएगा एंड बेटर इंडोर एयर क्वालिटी देखने को मिलेगा मिस्टुबिशी इलेक्ट्रिक एसी के साथ। एंड प्राइस रेंज की अगर बात करें तो यहाँ पर मिस्टुबिशी हेवी इंडस्ट्रियल एसी से जो है इसका प्राइस रेंज ज़्यादा है। इसमें आपको जो है
काफ़ी एडवांस फीचर्स देखने को मिलेगा बढ़िया बिल्ड क्वालिटी के साथ। एंड नॉइस की अगर बात करें तो यहाँ पर डेफिनेटली नॉइस लेवल भी काफ़ी कम देखने को मिल जाएगा, ऑफिस वगैरह होम वगैरह में यूज़ कर सकते हो, इवन बेडरूम वगैरह लिविंग एरिया में भी जो है डेफिनेटली यहाँ पर मिस्टुबिशी इलेक्ट्रिक एसी को यूज़ कर सकते हो, काफ़ी मिनिमल नॉइज़ देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी सही है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं कंपैरिजन के बारे में, तो स्टार्ट कर लेते हैं एनर्जी एफिशिएंसी के साथ। तो यहाँ पर दोनों ही जो एसी वगैरह है उसमें जो है काफ़ी सही जो है यहाँ पर एनर्जी एफिशिएंसी देखने को मिल जाएगा, तो आप ज़रूर से मॉडल टू मॉडल कंपेयर करना, बट मेरे हिसाब से मिस्टुबिशी इलेक्ट्रिक एसी में जो है एनर्जी एफिशिएंसी जो है ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, तो दोनों ही जो है यहाँ पर एसी के साथ जो है काफ़ी बढ़िया एक्चुअली एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी सही है, बट यहाँ पर अगर आपको कम नॉइस चाहिए प्लस एडवांस फीचर्स चाहिए तो आप जो है आप सिंपली मिस्टुबिशी इलेक्ट्रिक एसी को खरीद सकते हो, बट मिस्टुबिशी इंडस्ट्रियल एसी के साथ भी जो है हायर कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिलेगा, तो लार्ज रूम के हिसाब से मिस्टुबिशी इंडस्ट्रियल एसी भी काफ़ी सही रहेगा। फीचर्स की अगर बात करें तो डेफिनेटली मिस्टुबिशी इलेक्ट्रिक एसी के साथ जो आपको और ज़्यादा एडवांस फीचर्स देखने को मिलेगा जो कि मिस्टुबिशी हैवी इंडस्ट्रियल एसी में अवेलेबल नहीं है। ड्यूरेबिलिटी की अगर बात करें तो डेफिनेटली दोनों एसी के साथ जो है काफ़ी बढ़िया ड्यूरेबिलिटी देखने को मिल जाएगा, बट मिस्टुबिशी हैवी इंडस्ट्रियल एसी के साथ जो है आपको और ज़्यादा जो है बेटर ड्यूरेबिलिटी बेटर बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल सकता है। एंड प्राइस की अगर बात करें तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ मनी देखने को मिल जाएगा मिस्टुबिशी हैवी इंडस्ट्रियल एसी के साथ, अगर आप कंपेयर करते हो मिस्टुबिशी इलेक्ट्रिक से, मिस्टुबिशी इलेक्ट्रिक एसी का प्राइस ज़्यादा है एंड मिस्टुबिशी हैवी इंडस्ट्रियल एसी का प्राइस कम है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर जो है यहाँ पर होम वगैरह को यहाँ पर हाउस वगैरह में जो है एसी को यूज़ करने के लिए आप मिस्टुबिशी इलेक्ट्रिक एसी को यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको एडवांस फीचर देखने को मिलेगा, हायर एनर्जी एफिशिएंसी देखने को मिल जाएगा। मिस्टुबिशी हैवी इंडस्ट्रियल एसी को आप जो है ऑफिस वगैरह प्लस होम जो है बोथ प्लेस में यूज़ कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया कूलिंग परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी देखने को मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर लार्ज रूम के हिसाब से भी जो है मिस्टुबिशी हैवी इंडस्ट्रियल एसी जो है काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हायर कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिलता है जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड डेफिनेटली टोटली डिपेंड करेगा आपके बजट के ऊपर, एंड कोई भी एसी खरीदने से पहले जो है आफ्टर सेल सर्विस को जो है चेक करना ज़रूरी है, प्लस वारंटी वगैरह को चेक करो, तो एटलीस्ट जो है 1 ईयर का जो है प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी देखने को मिलेगा, एंड जो है जितना जो है ज़्यादा वारंटी देखने को मिलेगा उतना अच्छा है, क्योंकि पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करेगा, प्लस आफ्टर सेल सर्विस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर जो है यहाँ पर आफ्टर सेल सर्विस को चेक करना। आप जिस भी एरिया में रहते हो उस एरिया में जो पुराना कस्टमर है उसके साथ जो है बातचीत करो, क्योंकि एसी खरीदने के बाद जो है इंस्टॉलेशन कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट को आपको जो है अलग से पे करना पड़ता है, तो आफ्टर सेल सर्विस जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मैटर करता है। एनीवे यहाँ पर दोनों एसी के साथ जो है कुछ प्रोज एंड कॉन्स देखने को मिलता है, तो अगर आपका बजट ज़्यादा है तब आप जो है मिस्टुबिशी इलेक्ट्रिक एसी खरीदो, प्लस अगर आपका बजट कम है तब आप जो है मिस्टुबिशी हैवी इंडस्ट्रियल एसी खरीद सकते हो। दोनों एसी के साथ जो है कूलिंग परफॉर्मेंस बढ़िया है, फीचर्स आपको मिस्टुबिशी इलेक्ट्रिक एसी में ज़्यादा देखने को मिलेगा, यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी मिस्टुबिशी हैवी इंडस्ट्रियल एसी में बढ़िया देखने को मिल जाएगा, एनर्जी एफिशिएंसी जो है मिस्टुबिशी इलेक्ट्रिक एसी का ज़्यादा अच्छा है। एनीवे हमने यहाँ पर एसी के रिलेटेड ढेर सारी वीडियो अपलोड किया है, आप सिंपली एसी का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।